हाँ तो बेटे हो हमारा अभी हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन नंबर 18 तक मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस किए थे। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 to 24, ठीक है ना, मैट्रिक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसको एक मैट्रिक्स के रूप में लिखिए, यानी आव्यूह के रूप में लिखिए। तो देखिए ये ए, ये इसे हम ए प्लस बी की फॉर्म कह सकते हैं, और इसे ए माइनस बी की, और दोनों गुणा है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होता नज़र आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हम इसे यहाँ से क्या लिख देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। देख लीजिए ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला नज़र आ रहा है। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर पहले फाइंड कर लीजिए, ए स्क्वायर क्या होगा, 0 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 1, और देखिए ध्यान से क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, और सेकंड कॉलम 0 0 0, और उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 1 1, यही आएगा। सेम थिंग यहाँ से बी स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, क्या होगा, 0 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 0, ये आएगा। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिए, सेम ऑर्डर का है तो आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये है ना, ये भी 2 इंटू 2 का है और ये भी 2 इंटू 2 का है, तो यहाँ भी एक 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स ही आपको मिलेगी। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, है ना। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0, यहाँ 0 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 आ जाएगा। ये आ गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। और अब ध्यान से देखिए इसी में, यहाँ इसको मैं यहाँ पोज कर रहा हूँ, तो देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई आपके पास, ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1 1 0 0 1, माइनस बी स्क्वायर, और इस कैपिटल बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 0 0 -1, यही है 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2। तो ध्यान से देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो क्या होगा, ए स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस कर दें, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर को अंदर कर दें तो बी स्क्वायर 0 0 b स्क्वायर, यही हो जाएगा। ऑर्डर समान है दोनों का तो ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू 2 को एक मैट्रिक्स आ गया। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, और इसे I2 कह सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 कम्प्लीट होता है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बेटे हो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और क्या है कि के की वैल्यू फाइंड करिए, जहाँ वेयर ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2i2। तो देखिए यहाँ से ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू के, ए क्या है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2, और I2 का मतलब यहाँ पे 1 0 0 1, यही हो गया 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 की ऑर्डर है तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तो यहाँ से हम इजीली सॉल्व कर देंगे, फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 3 9 माइनस 8, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 प्लस 4, ऐसे ही 4 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 माइनस 8, ठीक है, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम -8 प्लस 4, ये 2 इंटू 2 का एक अव्यू आ गया, मैट्रिक्स आ गया। और यहाँ से क्या हो गया, 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k 2 इंटू 2, और माइनस ये क्या हो गया, 2 0 0 2,
ये 2 × 2 का। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटे हो, क्या हो गया यहाँ से ये सॉल्व होके 1 − 2 − 4 − 4 ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 3 − 2 − 2 और 4 − 2 − 2 ये 2 × 2 का ऑर्डर समान है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे दोनों के। तो यहाँ से 3 − 2 इज इक्वल टू 1, तो 3 = 3 और k = 1 आप चेक कर सकते हो 1 रख के, तो 3 1 आएगा, यहाँ 1 रखा तो −2 आएगा, यहाँ 1 रखा तो 4 आएगा, यहाँ 1 रखा तो −2 − −4 तो ये पहुँच होगा, k की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, कह रहा है कि ए बी और सी आपको दिए हुए हैं, उसमें कह रहा है कि आपको इसको सत्यापित प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर इक्वल टू −i2 और ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू −c। तो देखिए हमारे पास ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, देखिए ध्यान से आयोटा 0 − iota इंटू 2 × 2 का व्यू है, मैट्रिक्स है आयोटा 0 − iota ये भी 2 × 2 का है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो यहाँ से आपको क्या मैट्रिक्स मिलेगी, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आयोटा स्क्वायर राइट और ये 0, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 ये 0 मिल गया, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी जे 0, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 − यानी आयोटा स्क्वायर। और ध्यान से देखिए ये आयोटा की वैल्यू −1 है तो स्क्वायर की वैल्यू √−1 थी तो स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी −1, तो −1 0 0 −1 और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा 1 0 0 1 और ये किसके इक्वल है, इक्वल टू −i2 के, ये i2 है ठीक है। ए स्क्वायर हो गया, सेम थिंग बी स्क्वायर ले लीजिए आप, बी स्क्वायर भी आप क्या करोगे 0 − 1 1 0 × 0 − 1 1 0 और देखिए बेटे वो क्या हो जाएगा, ये भी 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 − 1 यानी −1 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम −1 और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा 1 0 0 1, इसे क्या कह सकता हूँ −i2 ठीक है ओके। सी स्क्वायर ले लीजिए, सी स्क्वायर में क्या होगा, यही आपका 0 iota iota 0 और 0 iota iota 0 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 का है, 2 × 2 का है तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो यहाँ से हम कहेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 + iota² यानी iota² सेम थिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आ जाएगा, ये भी फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम iota² आ जाएगा और यहाँ से iota की वैल्यू क्या है −1 0 0 − 1 माइनस कॉमन लिया तो ये क्या आ गया −i2 के। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों इक्वल हैं −i2 के। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 22 का। अब सेकंड की बात करते हैं, तो देखिए 21 को मैं ऐड एरोज कर रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या होगा, सेकंड पार्ट है 22 का, वो फर्स्ट पार्ट था, ये कह रहा है ए बी इक्वस टू बी ए इक्वस टू −c प्रूव करना है। तो पहले मैं ए बी ले लेता हूँ, ए बी लीजिए, तो ए क्या है आयोटा 0 0 − iota और बी क्या है 0 − 1 1 0, देखिए दोनों ही 2 × 2 के एक मैट्रिक्स हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो यहाँ से होगा क्या, देखिए ए बी क्या आएगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी −iota और ये 0, उसके बाद फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 नहीं सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये 0
ज़ीरो और ये माइनस आयोटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम ज़ीरो ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा, ज़ीरो आयोटा आयोटा ज़ीरो, और इसे मैं क्या कह सकता हूँ, माइनस सी के। देख लीजिए सी क्या है, ज़ीरो आयोटा आयोटा ज़ीरो, और ये माइनस बारह तो माइनस सी के इक्वल हो गया। सेम थिंग मैं बी ए की बात करूँ तो बी ए मेरा क्या होगा, देखिए ज़ीरो माइनस वन वन ज़ीरो, ये टू इंटू टू का है, और ए क्या होगा अपना आयोटा ज़ीरो ज़ीरो माइनस आयोटा, ये भी टू इंटू टू का है बेटे हो। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज के इक्वल हैं, तो यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आयोटा ज़ीरो ज़ीरो माइनस, ये ज़ीरो हो गया, यहाँ से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ज़ीरो और प्लस आयोटा, ये हो गया। उसके बाद ये क्या है, आयोटा ज़ीरो, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ज़ीरो 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 और ये प्लस आयोटा। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी आयोटा और ये ज़ीरो, आयोटा ज़ीरो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आयोटा प्लस ज़ीरो, और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ज़ीरो और ज़ीरो, ये हो गया आयोटा आयोटा, और ये किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बी क्या था, ज़ीरो माइनस वन वन ज़ीरो, सी था ए था आयोटा ज़ीरो ज़ीरो माइनस आयोटा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी ज़ीरो आयोटा ज़ीरो ज़ीरो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ज़ीरो माइनस माइनस प्लस आयोटा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आयोटा ज़ीरो, फिर सेकंड रो ज़ीरो और ज़ीरो, ये आ गया सी के इक्वल। तो देखिए ये सी के इक्वल है, ये सी के इक्वल नहीं है, तो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। देखिए सेकंड वाले पार्ट में ये ए बी इक्वल टू माइनस बी ए माइनस सी था, है ना, तो ये तो माइनस सी के आ गया, सेकंड पर माइनस बी है तो माइनस यहाँ चलता रहेगा, तो ये माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। हाँ तो बेटे वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है 2×2 का, अब तो एफ ए आपको फाइंड करना है, एफ ए की वैल्यू निकालनी है, तो एफ ए क्या है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई। तो देखिए एफ ए हमें निकालना है, तो एफ ए क्या, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 3 1 माइनस वन टू, और 3 1 माइनस वन टू, इसको लिख लिया 2×2, और ये भी 2×2, नंबर ऑफ रोज कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, माइनस फाइव ए, ए क्या है 3 1 माइनस वन टू, ये भी 2×2 का है, प्लस 7 आई क्या है 1 0 0 1, ये भी हमने 2×2 का एक यूनिट मैट्रिक्स ले लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते जाइए, एफ ए की वैल्यू आ जाएगी अपने आप। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 3 3 9 माइनस वन यानी 8, 9 माइनस 1 8, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 प्लस 2 यानी 5, 3 प्लस 2 5, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 प्लस 4 यानी 3, ये आ गया आपका ए स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ कर लिया हमने क्या 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 0 0 7, ये 2×2 का है, ये भी 2×2 का, और ये भी 2×2 का। सॉल्व करते हैं एफ ए क्या होगा बेटे हो, ध्यान से देखिएगा, 8 में से 15 सब्सट्रैक्ट करो माइनस 7 आएगा, 5 में से 5 गए 0 आएगा, माइनस 5 प्लस 5 0 होगा, 3 माइनस 10 माइनस 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या रह गया 7 0
07। ऑर्डर समान था इसलिए सब्सट्रैक्ट हो गया, ये भी ऑर्डर करिए, इसका भी ऑर्डर समान है, ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा, देखिए एफ ए, एफ ए आपका क्या आ जाएगा बेटे, वो देखो माइनस सेवन प्लस सेवन जीरो, जीरो जीरो रहेगा, जीरो रहेगा माइनस सेवन जीरो जीरो, यानी कहने का मतलब आपके पास क्या आ गया एफ ए की वैल्यू, एफ ए आ गया आपका जीरो। तो बेटे ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 23 एंड, तो पॉज वीडियो पॉज करके 23 को ऐड नोट कर लीजिएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 24। तो कह रहा है कि ये दो मैट्रिक्स हैं, ये प्रूव करना है इक्वल टू जीरो के होता है। देखिए सबसे पहले हमने ये LHS ले लिया, तो हमने ये LHS को ले लिया, तो हमने यहाँ इसको ले नहीं रहा हूँ मैं, ये इसी को मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ से आपका जीरो के इक्वल इसको प्रूव करना है ना, तो देखिए ये भी 2×2 का, ये भी 2×2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ध्यान से देखते जाइए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, ये प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, ये हो गया। सेम थिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब सेम थिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, सेम थिंग सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये 2×2 का एक मैट्रिक्स है। अब देखिए ध्यान से देखते जाइए, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा आ रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा है, यहाँ से भी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉस अल्फा साइन बीटा कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से कॉस बीटा और साइन अल्फा, तो सब में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और क्या बचा यहाँ से, ध्यान से देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यही बचा, ठीक है। सेम थिंग यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस अल्फा आएगा ही आएगा और साइन बीटा, क्या कॉमन आया कॉस अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ से क्या बचा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बच गया यहाँ से, ठीक है। सेम थिंग यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस बीटा तो आएगा ही आएगा और साइन अल्फा, तो यहाँ से आया साइन अल्फा कॉस बीटा, तो यहाँ से क्या बच गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस ये सॉरी यहाँ पे भी प्लस रहेगा, यहाँ पे भी प्लस रहेगा, यहाँ पे भी प्लस रहेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ये बच गया। सेम थिंग यहाँ से देखिए साइन अल्फा कॉमन आएगा और साइन बीटा कॉमन आएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा देखो यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा
प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यही बचा। और देखो ध्यान से इस वाले स्टेप को, ये टू इंटू टू का ही चल रहा है मैट्रिक्स, तो यहाँ से देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा, और इसे मैं क्या लिख दूँ, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है ये, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा सेम थिंग, सब में कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से भी कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है टू इंटू टू ऑर्डर में। और देखिए यहाँ से साइन अल्फा कॉस बीटा और इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बना, यहाँ से भी साइन अल्फा साइन बीटा और क्या बना, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो बेटा मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन आप पहुँच करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और बड़े ही प्यार से देखो, एक कंडीशन दी हुई है कि अल्फा माइनस बीटा 2m माइनस 1 पाई बाई 2 m बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है, यानी m क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है तो आप 1 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट ले जाइए, 1 रखोगे तो 2 में से 1 क्या पाई बाई 2, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है भाई, कॉस का ऑड मल्टीपल है और ऑड मल्टीपल ऑफ कॉस पाई बाई 2 पे कॉस जीरो होता है, कॉस कॉस 2m माइनस 1 पाई बाई 2 जो एंगल है m बिलोंग्स टू n में, ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी इसकी, क्योंकि कॉस 90 का ओड मल्टीपल यानी पाई बाई 2 का विषम गुणज है, और पाई बाई 2 के विषम गुणज पे कॉस क्या होता है, जीरो होता है। तो ये कॉस अल्फा ये 90 पे कॉस अल्फा माइनस इसकी वैल्यू रख दोगे, अल्फा माइनस बीटा की 2m माइनस 1 पाई बाई 2 यहाँ रख दोगे सब में, तो ये कॉस सब में क्या हो जाएगा, जीरो। और सारे ये सब कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा सारे के सारे जब जीरो हो जाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, देखिए ध्यान से, ये भी जीरो हो जाएगा, 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 तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इक्वल टू जीरो, जो कि RHS के इक्वल है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है बेटे। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो इंसर्ट सॉल्यूशन वो भी कंप्लीट होता है। तो हमारा चैप्टर 3 अब बेटे कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आओ तो आप क्यूरीज भेज सकते हैं, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो आप बेटे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा एक बार पूरे हाथ से, अपने हाथ से एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस डिटरमिनेंट। थैंक यू।